वेलकम स्टूडेंट, आज हम कैल्शियम का स्टैंडर्ड देने वाले हैं और हमारे पास में जो एक्यूरेक्स 8112 प्लस मशीन है उसके ऊपर हम एक्यूरेक्स का ही प्रोडक्ट है, एक्यूरेक्स का ही कैल्शियम प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम कैल्शियम देने वाले हैं। तो आप कैल्शियम का स्टैंडर्ड देख सकते हो 10 mg/dL। तो 10 mg/dL का मतलब क्या है कि जब हम स्टैंडर्ड देंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है हमें 10 आना चाहिए। तो मैं अपने मशीन पर प्रोग्राम को ओपन करके रखा हूँ जो हमें टेस्ट को रन करना है। तो देख सकते हो पुराना फैक्टर जो है हमारा 18.166 है। और मैं उससे पहले आपको सैचेट समझा देता हूँ, जो हमारा सैचेट में दिया रहता है वही सेम प्रोग्रामिंग हमें हमारे मशीन में करना रहता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या दिया है, इन पॉइंट मेथड से करना है ये टेस्ट को। और जो रिएजेंट है वो हमें 1000 पे 20 माइक्रो यूज़ करना रहता है, और अगर आप 500 यूज़ कर रहे हो तो 10 माइक्रो आपको यूज़ करना है। तो 1000 पे 20 हम स्टैंडर्ड देने के लिए यूज़ करेंगे और फिर 2 मिनट वेट करेंगे, देन हम उसको रन करेंगे। तो कैल्शियम जो हम एक्यूरेक्स 8112 प्लस मशीन पे जो यूज़ करेंगे कैल्शियम रिएजेंट एक्यूरेक्स का, उसका मेजरिंग रेंज है 8.5 से लेके 11 mg/s का। तो चलो हम अपना टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, पहले जो हमारा रिएजेंट है उसमें हम अपना मिक्स कर लेते हैं। जैसे अभी हमने लिया तो इसमें हम स्टैंडर्ड 20 माइक्रो डाल देते हैं। तो 20 माइक्रो डालने के बाद में हम अपना टाइमर ऑन कर लेंगे। टाइमर ऑन करने के बाद में हमें क्या करना है कि जो सैंपल है पेशेंट का जिसे हमें टेस्ट करना है, ये पेशेंट का केस जो है सेंसिटिव केस है। इनके कैल्शियम हाई और लो लेवल हो जाने से इनके बॉडी में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि स्पाइनल इशू आ जाता है, झुकने में, चलने में, फिरने में वो अपना गर्दन को पूरा सीधा नहीं कर सकते या स्ट्रिक्टली एक नॉर्मल इंसान जैसा वो नहीं बिहेव कर सकते। इसके लिए ऐसा अगर कोई सेंसिटिव पेशेंट रहे तो उसके केस में हमें बहुत ही सावधानी से स्टैंडर्ड दे के ही टेस्ट करना चाहिए ताकि रिज़ल्ट आपका अच्छा आना चाहिए। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि अभी हमारे पास में फंक्शन है 0 RV स्टैंडर्ड और सैंपल, कंट्रोल हमें नहीं देना रहता। तो 0 में हम नॉर्मल डिस्टिल वाटर से ही रन करते, RV रिएजेंट ब्लैंक हम ऑलरेडी यहाँ ले चुके हैं, रिएजेंट ब्लैंक जो हम रिएजेंट ब्लैंक देंगे। और इसमें हमने स्टैंडर्ड ले लिया है और इसमें हमने पेशेंट का सैंपल ले लिया। जो पेशेंट रहता है कभी भी सैंपल के पीछे पेशेंट का सैंपल होना चाहिए, फिर आगे उसका जो भी टेस्ट हम कर रहे हो वो रहना चाहिए। तो आपके जो सैचेट में वो सब कुछ गिवन रहता है, जैसे कि अभी ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना कैसा क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको इसके हिसाब से जाना रहता है। यहाँ पर जैसे लिखा है रिएजेंट वॉल्यूम 1 ml, 1 ml मीन्स 1000 माइक्रोलीटर, और 20 माइक्रोलीटर इसमें सैंपल जाएगा। तो अब इसका अगर हम हाफ करते हैं तो 500 पे 10 जाएगा, ठीक है, सेम रहेगा, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं। अगर आपको कुछ और किसी और रिएजेंट्स के बारे में अगर आपको इंक्वायरी चाहिए किसी और टेस्ट के लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि जो कैल्शियम टेस्ट है वो हम इलेक्ट्रोलाइट के मशीन पर भी करते हैं। अगर बहुत लोग जैसे रहता है कि वो लोग नहीं कर पाते तो वो लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट की मशीन पे कैल्शियम रन करते, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पे 5 पैरामीटर में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और ये फिर अपना कैल्शियम फॉस्फोरस दिया रहता है। 0 0 रन कर लेना है, 0 नॉर्मल डिस्टिल वाटर से हमें रेंज देना है। यहाँ पे एक छोटा सा बटन रहता है, उस बटन को प्रेस करना रहता है। अभी देखो हमने 0 दे दिया, 0 देने के बाद में हमें सिंपली रिएजेंट ब्लैंक के लिए लेना है, सेम एज इट इज़ हमें रन कर लेना। ये हमारा RV भी दे दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड देने से क्या चेंजेस होता है। स्टैंडर्ड जब आप देते हो ना तो आपका जो पुराना फैक्टर 18.166 वो चेंज हो जाता है। तो अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कोई वीडियो कट पेस्ट वाला वीडियो नहीं है, क्लियर वन शॉट वीडियो है। ये हमने स्टैंडर्ड दिया, अभी देखो फैक्टर चेंज होगा तो हमारा नया फैक्टर 52.241 आया। तो अब मैं आपको बताता हूँ, फैक्टर तो चेंज हो गया
बट अब जो बचा हुआ सैंपल रिएजेंट है जो हमने 1000 पे 20 माइक्रो लिए थे, अगर इसका 10 के आसपास नहीं आया रीडिंग तो हमें फिर से ये स्टैंडर्ड का प्रोसेस रिपीट करना होगा, और अगर 10 के आसपास आ जाता है तो हमारा ओके है टेस्ट, हम आगे का भी टेस्ट प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा कितना आता है, और जो बचा हुआ सैंपल रहेगा उससे ही एज अ सैंपल रन करना है। 15.15 हमारा एकदम एक्यूरेट आया है, तो अब हमें क्या करना है, रिंस दे देना है। रिंस देने के बाद में हमें पेशेंट का जो भी टेस्ट है वो हमें परफॉर्म करना है। तो मैं बताता हूँ एज अ सैंपल क्यों रन करते हैं स्टैंडर्ड को, तो क्यों करते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड के बॉटल में कंपनी हमें देता है रिएजेंट, उसका वैल्यू हमें बता के रखता है कि इसका वैल्यू 10 mg/s आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, और जो हम पेशेंट का करते हैं वो हमें मालूम नहीं रहता। तो जस्ट उसी को हम क्रॉस करने के लिए ही स्टैंडर्ड देते हैं कि जो हमारे मशीन में रीडिंग आना चाहिए वो कितना है। तो देखो पेशेंट का कैल्शियम 7.62, तो ये एक परफेक्ट रीडिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये रीडिंग रॉन्ग है या गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, परफेक्ट है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड ही परफेक्ट आया था। अगर स्टैंडर्ड परफेक्ट नहीं रहता तो हमारा रीडिंग भी रॉन्ग आता। तो ऐसे कीप सपोर्टिंग स्टूडेंट, और भी अच्छे से अच्छे वीडियो के लिए प्रमोट करते रहे, और ज़रूर कमेंट करें।